बाद में जब मुंबई में घूम रहा था तो मैंने देखा कि एक एक खोली में तीन तीन परिवार रहते हैं। और कैसे कैसे वो सोते हैं, कैसे कैसे वो अपना समय पास कर रहे हैं, ये कोई जीवन नहीं है। और हम इस देश में जहां सबको बराबरी का अधिकार और सम्मान से रहने का अधिकार है, उसमें हम इनमें क्यों रहे? क्योंकि सरकारों के एजेंडे में हम कहीं आते नहीं है। ये सरकार अपने मतलब के हिसाब से हमें यूज करती है। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक ये हमें तमाम तरह के वादे करते, तरह तरह के हमसे जो है लुभावनी बातें करते, तमाम तरह के जो है हमको लालच दिए जाते हैं। जैसे चुनाव खत्म हो जाता है तो इनके एजेंडे में से 5 साल के लिए हम लोग खत्म हो जाते हैं। मुझे खुशी इस बात की होती है कि अंबेडकरवादी मूवमेंट अगर पूरे देश में कहीं है, दुनिया में कहीं है, जिसमें जितनी हिस्सेदारी महिलाओं पुरुषों की है उससे ज्यादा हिस्सेदारी हमारी बहनों की, हमारी माताओं की है, हमारी महिलाओं की है। तो बाबा साहब के सपने को अगर कहीं सबसे मजबूती ज्यादा मिल रही है तो वो यहां मिल रही है। लेकिन वही जहां हम इस देश में महाराष्ट्र में तो अंबेडकरवादी मूवमेंट के लोग बाबा साहब के सपने को सबसे पहले पूरा करते, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहां हम सबसे पीछे, यहां हमारा राजनीतिक वजूद ही नहीं है, यहां हम किसी चैनल में फिट होते नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर ये ज्यादा दिन चला तो हमें हर एक चीज के लिए सरकार से और इन लोगों से हाथ फैलाने पड़ेगा। और मैं ये नहीं चाहता कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो खून है वो किसी के आगे हाथ फैलाए। हम लोग यहाँ गुलामी करने के लिए पैदा नहीं हुए, वो गुलामी का जीवन काट चुके हैं बाबा साहब अम्बेडकर। अगर अब भी हम यहाँ गुलामी का जीवन व्यतीत करते हैं तो इसमें दोष हमारा है। आप समझते हैं, एक बाबा साहब अम्बेडकर और पूरी ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था, और एक बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं रोक पाई। लेकिन उनके साथ उनका संकल्प था, उनका समर्पण था, उनका कम्युनिटी के प्रति जो उन्होंने कमिटमेंट किया था वो था, और इस देश से जो उनका प्यार था, समर्पण था, वो था। क्या हमारे लोगों में समर्पण की भावना कम हो गई है? क्या हमारे लोगों में समर्पण की भावना खत्म हो गई है? क्या हमारे लोगों में बाबा साहब के त्याग बलिदान संघर्ष को भुलाने की भावना ज्यादा मजबूती से पैदा हो गई है, या उनके त्याग बलिदान संघर्ष को आगे बढ़ाने की भूमि जो हमारी अभिलाषा है वो खत्म हो गई? ये हमें सोचना पड़ेगा। जय भीम के हम लोग नारे लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जय भीम असली जय भीम तब होगा जब इस देश में रहने वाले अंतिम व्यक्ति को भी बराबर के अधिकार मिलेंगे, जब उसका जीवन भी ऐसा होगा जैसे यहाँ अडानी अंबानी का जीवन है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये आजादी अधूरी, और मैं इस आजादी को आजादी नहीं मानता। जब तक ये नहीं होगा हमारा संघर्ष देश में जारी रहेगा, चाहे संघर्ष आज से और हमारे जीवन के अंतिम समय तक चले। लेकिन मुझे महाराष्ट्र से जो प्यार मिलता है ना, जो एनर्जी मिलती है, उसे मैं पूरी पिछली बार के जाने के बाद और अब भी मैं उसे सारे लोगों के बीच भेजता हूँ, उसको डिलीवर करता हूँ। ये कहता हूँ कि अगर सीखना है तो महाराष्ट्र से सीखो कि कैसे अंबेडकरवादी मूवमेंट जो है घर घर तक है, हमारे बच्चों के, हमारी माताओं के, बहनों के, हमारे बुजुर्गों के दिलों में है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि अगर सीखना हो कि कैसे अपने लोग मिलकर सत्ता में नहीं आ सकते, ये भी महाराष्ट्र से सीखे कि कैसे हमारे लोग दूसरों का झंडा उठा के दूसरों को नेता बनाते रहेंगे, और एक समय वो आएगा कि फिर अपने काम के लिए उनके आगे हाथ फैलाते रहेंगे। क्या कभी मांगने वाला समाज के लोग खड़े पूरी मांगने से बताया नौजवान, क्या कभी मांगने वाले लोग शासक बन सकते हैं क्या? तुम्हारे अंदर कोई कमी है क्या कि तुम शासक नहीं बन सकते हो? क्या तुझे कोई ताकत ऐसी है जो तुम्हारे संकल्प को रोक दे? दुनिया में कोई चीज नामुमकिन नहीं है। अगर नामुमकिन है तो बस आपकी सोच अगर आप तय कर लें, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे, मैं 2 दिन से इस लाइन को कह रहा हूं और आज यहां भी कहूंगा, ये नौजवानों के लिए, सिर्फ नौजवानों के लिए, चाहे वो हमारी बहनें हो या हमारे युवा भाई हो, कि जीवन जीना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि जीवन को स्वाभिमान से जीना और सम्मान से जीना। जानवर भी अपना जीवन जीता और अपने लिए जीता है, लेकिन तुम्हें पता है कि अगर जानवरों में भी जिनको फीमेल कहा जाता है, जिनको
पशुओं में भी मां का दूध बां जिनको कहा जाता है, जो इनसे जो जननी होती है वो भी अपने हिस्से का जो है ना अपने हिस्से का खाना अपने बच्चों के लिए छोड़ती है, अपने अपने आप गीले में रहती, अपने बच्चों को सूखे में रहती। तो ऐसी माओ को, ऐसी बहनों को और इस समाज की नारी को क्यों ना हम लोग सलाम करें, क्यों ना सलूट करें, क्यों ना उनका अभिनंदन करें, क्यों ना साधुवाद करें। और उनको क्योंकि माँ सावित्रीबाई फुले तो थी, इन्होंने इतना अपमान सह के भी हमें पढ़ने की तरफ प्रेरित किया। वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले तो थे जिन्होंने उस समय में अपने परिवार के खिलाफ जाके इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और 18 स्कूल खोले। आज हमारे लोग पिछले 70 साल की आजादी में जब से संविधान आया है आगे निकलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये जो गैर बराबरी पर आधारित व्यवस्था है जिसमें जाति की वजह से हमें तमाम तरह के उत्पीड़न पूरे देश दुनिया में सहने पड़ते हैं, उस व्यवस्था में अभी कोई ज्यादा कमी नहीं आई।